समझ में आया, इसीलिए इन दोनों को इंटेस्टिनल ग्लैंड बोला। उधर का बच्चों राइट साइड का रब कर रहे हैं, थोड़ा सा रहता है बस, अभी खत्म हो जाएगा टॉपिक, थोड़ा सा रह रहा है, तो राइट साइड का अब रब करता हूं मैं, ये जो सारा इंटेस्टिनल जूस वाला पार्ट है इसको मैं रब करूंगा बच्चों, क्लियर। तो इधर का रब करते हैं, उसके बाद ये सारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये वाला ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट। ये जो स्ट्रक्चर में बच्चों ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये बेसिकली एनसीईआरटी में येलो दिया हुआ है, पीले रंग का है ये, मेरे पास पीला मार्कर नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट विथ ड्रॉइंग इट विथ ग्रीन कलर, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये येलो कलर से बना हुआ है। ये क्या है, ये एक लिम्फ वेसल है जिसका नाम है बच्चों लैक्टियल, एल फॉर लैक्टियल, एल फॉर लिम्फ वेसल, मींस विलाई आर सप्लाइड बाय ए लिम्फ वेसल, विलाई आर सप्लाइड बाय ए लिम्फ वेसल कॉल्ड एज लैक्टियल, क्लियर। तो ये एक लिम्फ वेसल है जिसका नाम है लैक्टियल, क्लियर। तो ये लैक्टियल हो गया बच्चों, काफी बड़ी लिम्फ वेसल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या इसका है, क्यों है ये। ये हो गया लैक्टियल। उसके बाद बच्चों लिम्फ में, सॉरी, एक लैक्टियल हो गया यानी विलाई आर सप्लाइड बाय ये लिम्फ वेसल, एक लिम्फ वेसल इसको सप्लाई करती है, यानी एक लिम्फ वेसल वहां प्रेजेंट है, लैक्टियल जिसका नाम है किसके राउंड, विलाई के राउंड, सॉरी, ओके। तो एक लिम्फ वेसल जिसका नाम लैक्टियल है वो सप्लाई कर रही है लिम्फ किसको, विलाई को, या आप ऐसे समझो कि विलाई के पास एक लिम्फ वेसल होती है वहां पे प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं लैक्टियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी मेंशन है, वहां पे आपको बस किस कलर की मिलेगी, येलो कलर की। फिर देखिए यहां पे इस तरह से लिम्फ कैपिलरीज भी आई हुई हैं, दीज आर लिम्फ कैपिलरीज, इस तरह से बच्चों, यानी लिम्फ इज सप्लाइड बाय लिम्फ कैपिलरीज एंड ऑल्सो बाय लैक्टियल, इस तरह से ये इसके ऊपर उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, मतलब सारे अटैच होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। और इधर ब्लू कलर की, आपको समझ में आ रहा है रेड और ब्लू का मतलब, मैं अभी बताऊंगा आपको रेड और ब्लू का क्या सिग्निफिकेंस है। रेड में जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लू वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, रेड वाली भी और ब्लू वाली भी,
इस तरह से। तो दीज आर ब्लड कैपिलरीज। तो ये फिर ये वाली, इन सबको आप बोल सकते हो ब्लड कैपिलरीज। तो यहां पे ब्लड कैपिलरीज हैं जो रेड और ब्लू कलर में है, और एक ग्रीन कलर में लिम्फ वेसल है दैट इज लैक्टियर। ये सप्लाई है कहां, लिम्फ को। इसका सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ये होता है, और मैं एब्जॉर्प्शन वाले में आपको पढ़ाऊंगा जब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पढ़ेंगे हम लोग। पहले अब इसके बाद डाइजेशन होगा, डाइजेशन होता है फूड का, उसके बाद फूड जब स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमेशा क्या होता है, देखो जो फैटी एसिड्स हैं और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये जो होते हैं ना, ये हमेशा, यानी जो फैट का डाइजेशन होगा, फैट का जब डाइजेशन होता है तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनता है फैट के डाइजेशन से, और ये हमेशा कहाँ जाते हैं, ये लिम्फ में जाते हैं, लैक्टियल में जाते हैं पहले। वो मैं वहां बताऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा, इतना समझो आप। इसीलिए यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है और लिम्फ भी प्रेजेंट है, लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट है। तो लैक्टियल और लिम्फ वेसल में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये इंटर करते हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन ऐसे होती है। जो ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड है, ये इंटर करते हैं कहां पे, ब्लड कैपिलरीज। ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, ये सब इंटर करते हैं ब्लड कैपिलरीज में, यानी इनका एब्जॉर्प्शन कहां होगा, ग्लूकोज एमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन ब्लड कैपिलरी के थ्रू, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन लिम्फ वेसल के थ्रू जिसका नाम है लैक्टियल। ये इतना समझो आप, बाद में जब एब्जॉर्प्शन पढ़ाएंगे तब आपको और क्लियर होगा, अभी बस इतना ही जानो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इतना समझो, आगे जब एब्जॉर्प्शन पढ़ाएंगे बिल्कुल आपको समझ में आएगा क्या है सब कुछ। तो लैक्टियल याद रखना है, तो ये लाइन मैं लिख देता हूँ बच्चों। उसके बाद हमारा ये जो पूरा टॉपिक था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज और लिख देना, विलाई आर supplied by blood capillaries and a large lymph vessel called as lacteal, L for lacteal, L for लिम्फ वेसल, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे हम लोगों ने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट का जो पूरा पार्ट था, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में स्टडी कर ली है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालिए क्या नहीं समझ में आया, और जो भी सजेशन है वो टाइम टाइम टू टाइम भेजते रहे आप, क्लियर। तो ये हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, थैंक यू।